हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राधे को लेकर खबरों में बने हुए हैं। वहीं अब वो अपने एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गए। दरअसल गोवा एयरपोर्ट पर सलमान के साथ सेल्फी लेने के लिए एक फैन उनके आगे आगे चल रहा था, लेकिन तभी भाईजान ने उस फैन का मोबाइल छीन लिया और वहाँ से आगे बढ़ गए। सलमान खान का ऐसा बिहेवियर देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI ने गोवा के CM प्रमोद सावंत से सलमान खान की गोवा में एंट्री बैन करने की तब तक मांग की है जब तक सलमान खान सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते। NSUI गोवा के प्रेसिडेंट एहराज मुल्ला ने सलमान खान से माफी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को लिखा है, मैं आपकी अथॉरिटी से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया इस मामले को गंभीरता से देखें और एक्टर से माफी की मांग करें, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से फैन का अपमान है। इस तरह के खराब रिकॉर्ड वाले हिंसक एक्टर को गोवा में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं गोवा के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व सांसद नरेंद्र सवाईकर ने भी सलमान खान के इस बिहेवियर को बेहद ही बेकार बताया था और साथ ही उन्होंने सलमान खान से माफी की भी मांग की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सेलिब्रिटी होने के नाते फैन और लोग सार्वजनिक जगहों पर आपके साथ सेल्फी लेंगे, लेकिन आपका ये व्यवहार काफी निंदनीय है। आपको बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। तो देखा आपने, इन सभी का कहना है कि जब तक सलमान खान अपने इस हरकत के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें गोवा में घुसने नहीं दिया जाएगा। खैर, क्या अब सलमान खान अपनी इस हरकत को लेकर माफी मांगेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्म राधे की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में वो एक बार फिर दिशा पाटनी के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। फिल्म को प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सलमान खान कब तक माफी मांगते हैं। वैसे सलमान की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। We'll be right back.
Thank you.